तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि भोजपुरी सुपरस्टारों में किस सुपरस्टार का घर मुंबई में सबसे महंगा और शानदार है। उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप सभी कुछ प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हो तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप सभी हमसे बात भी कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी के तीन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह, ये तीनों भोजपुरी के आन बान शान कहे जाते हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम होता है। तो वहीं आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि इन तीनों सुपरस्टारों का घर कहाँ है और किस सुपरस्टार के घर की कीमत सबसे ज़्यादा है। तो वहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह के घर की। तो पवन सिंह का घर तीन अलग अलग जगह पर है। जी हां, पवन सिंह का घर आरा में है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा पवन सिंह का घर छपरा में भी है जिसकी कीमत 50 लाख बताई जाती है। लेकिन छपरा और आरा वाले घर में पवन सिंह बहुत ही कम जाते हैं। इन सब के अलावा पवन सिंह का एक घर मुंबई में भी है जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हाँ, पवन सिंह अब ज़्यादातर मुंबई के घर में ही रहते हैं क्योंकि उनके फिल्मों और गानों का काम वहीं पर होता है, तो इसलिए मुंबई में ही ज़्यादा रहते हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। तो निरहुआ के घर की बात करें तो इनके गाँव का घर हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है और वहीं निरहुआ के गाँव के घर की कीमत आप सभी जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, निरहुआ के गाँव के घर की कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये बताई जाती है। निरहुआ का गांव का घर बहुत ही शानदार बना है इसलिए वो हमेशा चर्चा में बना रहता है। निरहुआ का मुंबई में भी फ्लैट है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। और निरहुआ भी अपने गांव पर बहुत ही कम रह पाते हैं, इनको भी मुंबई में ही ज़्यादा रहना पड़ता है अपने काम को लेकर, क्योंकि अब एक्टर की लाइफ है तो मुंबई में ही कटेगी। तो वहीं अब बात कर लेते हैं आप सभी के फेवरेट सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की। तो खेसारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जो पहचान बनाई वो तो बहुत ही कम समय में बनाई है और हर साल खेसारी की साल में 4 से 5 फिल्में रिलीज हो जाती है और गाने की तो गिनती करना भी भूल जाएंगे, इनका गाना इतना आता है कि। और वहीं बात कर ले इनके घर की। तो खेसारी ने हाल ही में गांव में एक नया घर बनवाया जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जाती है। और खेसारी ने मुंबई में फ्लैट नहीं बल्कि घर खरीदा है जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हाँ, खेसारी के घर की कीमत 6 करोड़ रुपए है और खेसारी भी ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तो अब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका घर सबसे महंगा और अच्छा है और साथ ही आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।